हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इवेपोरेशन। Our next new topic is evaporation. In previous class, we have discussed about infiltration indices and infiltration curve. So, आज हम पढ़ेंगे evaporation and evapotranspiration. ठीक है? तो what is evaporation? सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले आप लोग यदि क्वेश्चन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमको उसके उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिखो, उसके बाद उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखो, फिर फिगर बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। फिगर फ्लो चार्ट से बहुत इम्प्रेशन पड़ता है अपने एग्जाम जो में जो चेकर है, कॉपी जो चेक करता है उसके ऊपर। तो इवेपोरेशन एंड इवेपोट्रांसपिरेशन आर टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फेजेस ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। दीज फेजेस रीडिस्ट्रीब्यूट द हीट एनर्जी बिटवीन सरफेसेस एंड एटमोसफेयर। ठीक है? Estimates of evaporation and evapotranspiration are required in the design of reservoir, irrigation system, scheduling and frequency of irrigation and water balance and simulation studies. तो हम जितने भी अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सब सारे इसी के लिए पढ़ रहे हैं। हम इन्फिल्ट्रेशन पढ़े, हमने रन ऑफ पढ़े, हाँ हमने रेनफॉल पढ़े, हमने हाइड्रोलॉजिक साइकिल पढ़े। क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि हम अच्छे से जो हमारा रिजर्वायर हम जो बना रहे हैं उसकी डिज़ाइन कर सकें। ठीक है? इरिगेशन सिस्टम को हम अच्छे से इंस्टॉल कर सकें, है ना, शेड्यूलिंग उसको शेड्यूल्ड अच्छे से कर सकें, कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है ये हमें पता लग जाता है जब हम पूरी स्टडी करते हैं। तो ये भी उसका एक पार्ट है। इवेपोरेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन से भी हम पता लगाते हैं कि हम सॉइल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है ना, कितना इवेपोरेशन हो रहा है, कितनी रेनफॉल हो, कितना इवेपोरेशन। तो हमारे पास पूरा वाटर बजट होना चाहिए, पूरी इक्वेशन होनी चाहिए, सबका नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास कितना रेनफॉल के थ्रू बारिश हुई, कितना पानी आया और कितना हमने लॉस भी कर दिया, इवेपोरेट हो गया वो। ठीक है? तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर फ्रॉम लिक्विड और सॉलिड स्टेट पासेस इनटू वेपर फेज एंड इज डिफ्यूज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। सिंपल ही कुछ नहीं, ये जो वाटर सरफेस है, ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस पे जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, इसका कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेता है हीट एनर्जी के फॉर्म में, और जब ये हीट एनर्जी इतनी इसको मिल जाती है, इसका टेम्परेचर इतना हो जाता है कि ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट से क्या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या कहते हैं हम कि इवेपोरेशन हो गया। ठीक है? जैसे पॉन्ड है या डिप्रेशन स्टोरेज है या सी है, तो यहाँ की सरफेसेस में ये फिनोमेना हमको देखने को मिलती है इवेपोरेशन। ठीक है? तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर फ्रॉम लिक्विड और सॉलिड स्टेट पासेस इनटू द वेपर स्टेट एंड इज डिफ्यूज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इवेपोरेशन की अगर आए तो। ठीक है? व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट देन इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने पता ही होगा कि हम अगर सॉलिड स्टेट से अगर सीधे गैसेस स्टेट में चेंज हो जाए, वाटर सॉलिड स्टेट मतलब ये आइस है, ये आइस है,
आइस फॉर्म में है वाटर, और अगर इसको हम डायरेक्ट सप्लीमेंट कर दें, डायरेक्ट क्या कर दें, वेपर फॉर्म में चेंज कर दें, क्योंकि आइस पहले वाटर में चेंज होता है फिर वाटर से वेपर बनता है। अगर हम सीधे आइस को वेपर में चेंज कर दें तो इसको क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा इसको, ऊर्ध्वपातन, जो पहली क्लास में आपने 12th में या 10th में पढ़ा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो द प्रोसेस बाय विच वाटर पासेस इनटू लिक्विड टू वेपर स्टेट थ्रू प्लांट मेटाबॉलिज्म इज टर्म्ड एज ट्रांसपिरेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। तो ये जो प्लांट है हमारे पास, ट्री है, ठीक है, ये जो ट्री है, जब ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करता है, मतलब वाटर जब क्या होता है, जो भी क्या होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, तो जाइलम से वाटर जो है जब ऊपर चढ़ता है ट्रांसपिरेशन के लिए, ऊपर वाटर क्यों चढ़ता है, ऊपर क्यों उठता है वाटर, ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर के थ्रू ही वो न्यूट्रिएंट का अपटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट को वाटर के थ्रू यहाँ से न्यूट्रिएंट जाते हैं इसके अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो जब ये जितना ज्यादा, फिर ये वाटर यहाँ से क्या होता है, इवेपोरेट होने लगता है। अभी आप सिर्फ इवेपोरेट समझो, ये क्या होता है, इवेपोरेट होने लग जाता है इस लीफ की सरफेस से, ठीक है। ये वाटर इवेपोरेट हो रहा है लीफ की सरफेस से, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सिंपल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर यहाँ से पौधे ने वाटर को क्या किया, अपटेक किया, वाटर ले रहा है, वाटर जितना ज्यादा यहाँ से बाहर निकलेगा ये उतना ज्यादा वाटर यहाँ से अपटेक करेगा, और जितना ज्यादा वाटर यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा उतने न्यूट्रिएंट उसके साथ ऊपर जाएंगे, तो इसके कारण क्या होगा, इसको न्यूट्रिएंट अच्छे से मिलेगा, ये इतना समझ लीजिए आप। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो पौधे अपनी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को करने के लिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं, यह ट्रांसपिरेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम वेट सरफेस एंड ट्रांसपायर्ड बाय प्लांट टूगेदर इज कॉल्ड इवेपो ट्रांसपिरेशन। और इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन किस किस से मिलकर बन गया, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, और ये क्या है, इवेपोरेशन। ये और एक दो क्लास जब हो जाएगी तो और अच्छे से समझ में आएगी, जैसे हमने वाटर बजट पढ़ा था या हाइड्रोलॉजिक साइकिल पढ़ा था, एक क्लास फर्स्ट क्लास में नहीं आया था, जब धीरे धीरे कोर्स होते रहता है तो फिर ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाता है, ठीक है। अभी जस्ट इजी वे में आप लोग समझिए कि ये इवेपोरेशन, ये ट्रांसपिरेशन, इसके कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन समझ में आ गया, ठीक है। तो दीज प्रोसेस आर नाउ In our daily life, हम आसपास, हमारे आसपास ये प्रोसेस लगातार चल ही रही है, ठीक है।
जहां भी आप प्लांट देखेंगे इवेपोट्रांसपिरेशन वहां होगा ही। बिना इवेपोट्रांसपिरेशन के कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है, ये एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। क्यों? तभी वो न्यूट्रिएंट का अपटेक कर सकता है बाय द इवेपोट्रांसपिरेशन या बाय द ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस, तो अगर हम इवेपोरेशन प्रोसेस समझें तो कंसीडर करते हैं एक वाटर बॉडी, ठीक है, विथ अ फ्लैट फ्री सरफेस। ये वाटर बॉडी, ठीक है, फ्लैट फ्री सरफेस है इसका, ठीक है। तो बाय सप्लाइंग एक्सटर्नल थर्मल एनर्जी टू द वाटर बॉडी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी इंक्रीज्ड। जब हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, और क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब इसका जो मूवमेंट है इस वाटर बॉडी के मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल मतलब H2O। सो जो वाटर मॉलिक्यूल है दे गेट्स एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल H2O, जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल है सबसे पहले क्या होगा, ये एनर्जी गेन करेंगे। ये जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं एक ओपन पैन पे जिसकी सरफेस क्या है, समतल है, तो सबसे पहले क्या होगा, जब यहाँ से हीट एनर्जी देंगे तो सबसे पहले सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं वाटर मॉलिक्यूल वो दे गेट एनर्जी, और क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये ज़्यादा तेजी से मूव करेंगे, और मूव करने के कारण क्या होगा, इनकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी ये इस वाटर सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने की, ठीक है। और एक और जो बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में उसको बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो वो वाला जो फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में जो लग रहा है वो क्या होगा, कम होगा, वो वीक होगा, और ये इसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी कि ये अपने सरफेस को छोड़ के वेपर फॉर्म में बाहर निकलने की, एटमॉस्फेयर में जाने की, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपांडेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपांडेड बाय अ यूनिट मास ऑफ वाटर बाय पासिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन डिनोट्स बाय L। अब एक फंडा समझते हैं, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन आपके लिए क्या है। तो हम लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन समझते हैं क्या होता है। दो प्रकार की हीट होती है, एक होती है सेंसिबल हीट और एक होती है लेटेंट हीट, ठीक है। तो दोनों को एक साथ समझेंगे अपन जब आपने समझ पाएंगे। जैसे हमारे पास ये वाटर बॉडी है, ठीक है, अभी ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है हमारे पास, या 25 रूम टेम्परेचर पे वाटर रखा हुआ है। हम इसको हीट कर रहे हैं, हम इसको एनर्जी दी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी देने से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इसका टेम्परेचर 25 से 30 होगा, 30 से 35 होगा, 35 से 40 होगा। तो हमने मान लिया इसका टेम्परेचर कितना होगा,
40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने में कुछ तो हीट हमने दिया होगा इसको, तो जो भी हीट हमने दिया है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। अब सपोज हम और हीट देते जाते हैं, हम और हीट सप्लाई कर रहे हैं वाटर को, ये 40 डिग्री में आने के बाद भी हम इसको और हीट देना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, इसका फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। सपोज इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कितना, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से यहां तक भी हम लाने में वाटर को, यहां से यहां तक लाने में हमने कुछ हीट एनर्जी दिया होगा, तो उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, फिर सेंसिबल हीट बोलेंगे, सेंसिबल हीट। मतलब सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में सिर्फ फंडा इतना है कि सेंसिबल हीट हम उसको बोलते हैं जब किसी भी मैटर का स्टेट चेंज नहीं होता, ये वाटर है तो वाटर ही रहेगा, अगर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में चेंज हो जाए, तो यहां से यहां तक जो हीट सप्लाई करे हमने उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट, क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपर। अब ये वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है, ये यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, ये बॉइल करेगा, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर को और हीट दिए तो टेम्परेचर और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखें, टेम्परेचर क्या रखें हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा, टेम्परेचर 100 है यहाँ भी 100 है और हम इसको और हीट देते जा रहे हैं, ठीक है, इस वाटर को अभी भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में चेंज हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये हीट का यूज यहाँ पे मॉलिक्यूल करते हैं और ये इवेपोरेट हो जाते हैं कहाँ पे, एनवायरमेंट में, ठीक है। और इस लेटेंट हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, एल, कैपिटल एल, ठीक। तो व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी इज नॉट मेड अवेलेबल, एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बॉडी व्हाइल इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस एंड दस रिजल्ट ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर, ठीक है। जब व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी इज नॉट मेड अवेलेबल, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होगी सपोज, तो एनर्जी इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बॉडी व्हाइल इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस एंड दस रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर। इवेपोरेशन होगा यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो एनर्जी ये इवेपोरेट करने के लिए यूज हो जाएगी और फिर वाटर का टेम्परेचर कैसा होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है। देयरफॉर इवेपोरेशन इज इनडायरेक्टली अ कूलिंग प्रोसेस, इवेपोरेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कूलिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे समझो जब हमें पसीना आता है, ठीक है, तो जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है तो क्या होता है, स्वेट आता है और वो स्वेट को इवेपोरेट करने के लिए हमारे शरीर से जो हमारी हीट है, शरीर के अंदर जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो खर्च होती है उसको इवेपोरेट करने के लिए। और जब हमारे शरीर की ऊष्मा या हीट एनर्जी उस स्वेटिंग को इवेपोरेट करने में खर्च हो गई तो हमारे शरीर की जो एनर्जी वो कम हो जाएगी। जब हमारे शरीर की एनर्जी या ऊष्मा कम हो जाएगी तो हम कैसा महसूस करते हैं, कूल महसूस करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं, महसूस करते हैं ना। तो ये फंडा है, इवेपोरेशन क्या है, एक कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आउट ऑफ द टोटल एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस देयर विल बी सम कंट्रीब्यूशन बाय द वेपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट देयर, ठीक है। दिस पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर,
अब वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे? आउट ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस देयर विल बी सम कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट देयर। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इस वाटर सरफेस की जो सरफेस है, वाटर बॉडी की जो सरफेस है, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा? ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो लग ही रहा है, पर जब यहां से ये जो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है तो उस वेपर का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, तो आउट ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस देयर विल बी सम कंट्रीब्यूशन बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट देयर। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और ये वेपर जो यहाँ पे बन रही है, ठीक है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा ना यहाँ पे, इस सरफेस पे जो रिजल्टेंट प्रेशर डेवलप करने के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो दिस पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और यही के जो कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है प्रेशर का, उसको हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वेपोरेशन प्रोसेस यहीं तक है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बताइएगा, फिर से समझाऊंगा मैं, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और एक दो क्लास बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स।